तो आप लोग सोच रहे होंगे जर्मनी में मैं आपको कहाँ पे घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे पहले दिमाग में आपके सिटी आ रही होगी वो बर्लिन आ रही होगी, या क्लोन आ रही होगी, या फ्रैंकफर्ट, और उस तरह की जो सिटी जो आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं वो देखना है। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक नई सिटी जाया जाए जहाँ पर आप लोगों ने पहले ना देखा हुआ हो। दैट्स वाई आई केम टू कैसल। कैसल एक सिटी है, छोटी सी सिटी है जर्मनी के अंदर, और बिल्कुल सेंटर में है पूरे जर्मनी के अंदर। और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, Why like I selected to be in Kassel, और आप लोगों को क्यों कैसल दिखाऊं वो आप लोग इस वीडियो में देख लोगे। So let's get started. Welcome to Germany. प्राइस तो इस वक्त हम लोग जर्मनी में कैसल में आए हुए हैं, और मेरे साथ हैं, गेस करें कौन है मेरे पास, जो आपने तुर्की में देखा है, और उसके अलावा हमारे साथ अदील भाई हैं। अदील भाई यहाँ पे जुहेब के रूममेट है, जहाँ पे जुहेब भाई और अदील भाई साथ में रहते हैं। कैसल में इस टाइम यार एक मेला टाइप लगा हुआ है, आपने देख रहा होगा कि कितना रश है मेरे आस पास। लेट मी शो यू, ये देखो, ये जैसा कि देख रहे हो बिल्कुल ज़्यादा। अदील भाई क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फिट। आज हम लोग कैसल विजिट कर रहे हैं इन लोगों के साथ, और कैसल में मैंने जैसे कहा कि मेला टाइप है, और ये मेला यार कसम से पाकिस्तानी तरह ही है। ये देखो जैसे वो झूले लगा लेते हैं छोटे से बच्चों के लिए, लाइटें शाइटें वैसी जलाई हुई, बिल्कुल वही सीन ही है। और सारे बच्चे जैसे पेरेंट्स को तंग करके लेके आते हैं कि यार आज हमने जाना है मेले पे कुछ ना कुछ देने, तो वही सीन है। आज इस कैसल को भी यहाँ पे देखते हैं, मेला शेला देखते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कैसल है बहुत प्यारा सा, उसको चल के देखते हैं। सो लेट्स गो। बेसिकली रथ हाउस इसको कहा जाता है जर्मन में, और इसके अंदर बेसिकली ना सेरेमनीज वगैरह होती हैं, जैसे कि शादी की सेरेमनी हो गई, या स्टूडेंट्स के पेपर्स हो गए, जैसे कि हमारे वहाँ पे एमकैट टीकैट के पेपर स्कूलों में होते हैं ना, तो इधर इनके ये इस तरह का, ये काफ़ी बड़ा है, पीछे मैंने देखा बहुत लंबा जा रहा है। इस साल के एंड में ये गाड़ियाँ बनी है, अगले साल हाँ। ये रिलीज होंगी, मतलब अभी तक ये सेल नहीं कर रहे हैं। सही, सारे अप वर्जन गाड़ियाँ अब सही हो गया, सही हो गया। लाइक वो मॉडल्स जो इनके अभी लेटेस्ट फ्यूचर में आने हैं, तो उन सब को इनने अभी यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके सो जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी ज़ोर से, अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रीट परफॉर्मेंस। राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हरकुलस मोनूमेंट, जो कि जर्मनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और हरकुलस मोनूमेंट यार ये बिल्कुल टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये बिल्कुल टॉप पे ऊपर, मैं इसकी पिक्चर वगैरह आपको दिखाऊंगा, इसको कहते हैं हरकुलस मोनूमेंट। और ये पूरा एक कैसल है, ये नीचे से देखो इतना प्यारा व्यू है ना यार, नीचे से मैं चल के अभी दोबारा आपको दिखाता भी हूँ, जैसे ये ग्रीन लाइंस में, उसके बाद फिर वो ऊपर येलो वाले सारे ट्रीज़ वगैरह देख सकते हो, बहुत ही प्यारा मंजर है यहाँ से। मैं पूरा कैसल की आपको एक वीडियो भी दिखा दूंगा। दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल इन कैसल। अगर आप कैसल आ रहे हो ना, अगर आप जर्मनी आ रहे हो, तो यार यहाँ पे इस जगह को भी देखने आना। अभी नीचे चलते हैं, इसकी वीडियो दिखाते हैं, लेट्स गो। अभी आप लोगों ने इन लोगों को देखा है, ये लकड़ियाँ उठा के चल रहे थे और काफ़ी थके हुए थे, ये चीज़ हमें पहले से पता थी पड़ी। हमारे साथ वो जो भाई थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आप ये वाली बस लेना और टॉप पे जाना, नीचे बिल्कुल जाने की गलती मत करना। और अगर आप लोग भी आओ तो हमेशा पहले टॉप वाली बस लेना, टॉप पर जाना और टॉप से ऊपर का व्यू ले लो पहले, उसके बाद आराम से नीचे आते जाओ, थकोगे नहीं। क्योंकि अगर आप नीचे से पहले पहले आके व्यू लोगे, और ऊपर चढ़ना यार बहुत मुश्किल है, लाइक काफ़ी लंबा है, और आप लोग
लाइक बहुत आज के दिन की पूरी थकानी सी कैसल को ऊपर पूरा चढ़ते में ही निकल जानी है। फाइनली तकरीबन कोई 5 मिनट के बाद हम लोग नीचे आ चुके हैं, बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ मैं, और यहाँ से बिल्कुल आपको पीछे बिल्कुल सेंटर से व्यू नज़र आ रहा होगा इस हरकुलस कैसल का। आई होप कि रोशनी भी सही आ रही हो मेरे ऊपर। इसके अलावा यार ये जो आपको पूरा गार्डन इसके साथ नज़र आ रहा है ना, इसको बर्ग पार्क विलहेमसन कहते हैं, और उसके अंदर ये स्टैचू है, मोनूमेंट है, जो कि हरकुलस का है। माय नेम इज केशव, आई लिव हियर इन कैसल एंड आई रेगुलरली विजिट दिस ब्यूटीफुल पार्क व्हिच इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ द वर्ल्ड। And yeah, in the background you see the Hercules monument, which was erected in the time about 1690, and by the Landgrave Karl, which yeah was a rich and very famous Landgrave here in Germany, and it was the beginning of the work on this park. Later Landgraves have also added some other buildings and monuments here in the park. ओके सो यार मुझे अभी अभी पता चला है, जैसा कि मैंने पानी का बताया, एक तो ये कुत्ते ने बहुत शोर किया हुआ है, ठीक है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है बार बार आवाज़ के अंदर। मेन चीज़ ये है कि यार यहाँ से पानी वो कह रहा है सिर्फ समर के दौरान आता है, और वो भी डेली नहीं आता, एक हफ्ते में या दो हफ्ते में एक दफ़ा, और वो भी 20 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर से शोक किया जाता है, बकायदा वो कह रहा था कि शोक आ जाता है, उसको वाटर शो के नाम से कहते हैं, और वाटर ऊपर से नीचे आता है और वो बिल्कुल नेचुरल वे में आता है, लाइक पीछे सी से और जो नहरें वगैरह हैं उससे पानी आके एक जगह पर कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है, फिर एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद जब वो इतना ज़्यादा हो जाता है तब वो उसको ऊपर से छोड़ते हैं नीचे की तरफ, और वो नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इस शो की तरफ से आता है। सो दैट्स रियली समथिंग कूल। और अगर आप लोग उस वाटर टाइमिंग के वक्त आना चाहते हो देखने के लिए, तो उसकी बकायदा स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, मैक्सिमम 20 मिनट ही वो चलता है, तो आप लोग इसकी वेबसाइट, जो म्यूजियम की वेबसाइट है, उस पर जाके चेक भी कर सकते हो कि कौन सा टाइम हमें ताकि हम उस पानी के शो बिल्कुल देख सकें। जोहेब भाई वगैरह झूले पे गए हुए हैं और मैं क्यों नहीं गया, ये लोग तो आप लोग तो जानते ही होगे ना यार, मुझे मोशन सिकनेस है, और ये झूले वगैरह और इस तरह के जो ख़तरनाक चीज़ें होती हैं ना, वैसे ये ख़तरनाक इतना है तो नहीं, बट फिर भी मोशन सिकनेस हो जाती है और मुझे वॉमिटिंग वगैरह फील होती है, तो मैंने लाइफ में कभी झूले वगैरह लिए ही नहीं है इस तरह के, और नहीं मेरा दिल करता। बचपन में कुछ लिए थे, वो भी वो बत्तख वाले छोटे छोटे से थे, वही काफ़ी रह गए थे पूरी ज़िंदगी के लिए। तो यार दीज गाइज आर इन्जॉइंग। ओके फ्राइज, तो इस वक्त हम फ्रेंच कनेक्शन पे आए हुए हैं, और फ्रेंच कनेक्शन पे अदिल भाई हमारे साथ हैं, और ये आपको मैं इनसे मिलवाता हूँ, इनसे मिले लाइक द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन आई हैव मेट इन जर्मनी राइट नाउ। थैंक यू सो मच। तो अब हमें बताएं हम क्या क्या खाने वाले हैं, अभी ये आपने जो हमें दिए हैं यहाँ पे, हम लोगों ने बकेट्स दिए हैं, ये कुछ चिकन के साथ हैं, कुछ हैमबर्गर है, और उम्मीद है कि बच्चों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ये हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मतलब हैं पाकिस्तानी, बट रेस्टोरेंट फ्रेंच है ना, फ्रेंच फूड के वाले से। सो लेट्स ट्राई, इस फूड को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिव्यूज निकलते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत टेस्टी बने हुए हैं, मैं एक दो ट्राई कर रहा हूँ, इतने टेस्टी बने हुए हैं ना, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप कैसल कभी भी आओ ना तो इधर ज़रूर आना। ये कौन सी ब्रांच है, ये फ्रेंच कनेक्शन पे, इस पर हर हालत में आना है, ठीक है, और इधर आके कहना भी है किसकी भी वीडियो देख के आए मैम। खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था, बहुत लाइक बहुत ही टेस्टी है, और मैं कह रहा था इनको, ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में ब्रांच बनाएं, और वाकई ही बनानी चाहिए, लाइक बहुत टेस्टी है, ज़रूर चलेगा वहाँ पर भी। जो है नेक्स्ट जो ब्रांच खोलेंगे वो सियालकोट में खोलेंगे। ये भी सही है, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। नहीं आपकी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, तो फाइनली हम लोग अपना डिनर करके अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, और आज हम लोगों ने कैसल को घूमा, और कैसल के अंदर हमने वो हरकुलस वाला मोनूमेंट देखा, हमने वो फेस्टिवल वगैरह देखा जो आप लोगों ने भी देखा था, एट द सेम टाइम हम लोगों ने
अभी जाके वो बुगेट्स खाए हैं फ्रेंच कनेक्शन से, और आप लोगों ने भी वो लाजमी खाने हैं यहाँ पे जब भी आना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करना मत भूलना, और अगर आप लोग नए हो ना तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वो जो लाल बटन है किस लिए, ये दबाने के लिए, इसको दबा दो दब जाना चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।